लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 5 चरणों का मतदान संपन्न हो जाने के बाद एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग फिर से उठने लगी है। बिहार जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत नहीं मिलने जा रही, इसलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। बलियावी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित सभी नेता मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बलियावी का यह अलग राग अपनाना कई इशारे करता है। उन्होंने विरोधियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बलियावी को अगर कहीं और जाने की इच्छा है तो उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए। नवीन ने दावा करते हुए कहा कि यह बलियावी के अपने दिमाग की उपज है। जेडीयू नेता के बयान के बाद विपक्ष ने भी तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम ने चुटकी लेते हुए कहा, अब बीजेपी ही बताए कि उनके गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। नीतीश कुमार बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।